नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य प्रदीप सिंगला है। आज हम लोग आए जयपुर के पवनपुरी एरिया में, जहाँ पर RSCIT के ऑनर मिस्टर गुप्ता, उन्होंने अपने मकान में, बने हुए मकान में कुछ वास्तु निरीक्षण करवाया, जहाँ से एक अच्छी ऊर्जा उनको नहीं मिल पा रही थी, तो उस एंट्री को वास्तु के नियमों अनुसार ब्लॉक किया। कुछ उनके वॉशरूम्स को हमने, जो कि डब्ल्यू सीट थी, उनको ब्लॉक किया, टॉयलेट्स को ब्लॉक किया। ब्लॉक मतलब हम लोग कुछ एनर्जीज का पार्टीशन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनका एंट्री का पार्टीशन किया। और जैसे कि उनकी चौखट आप देख रहे हो, तो वो चौखट नहीं है, एक्चुअली में तिरखट होती है, जो कि नीचे दहलीज आजकल नहीं होती, तो उनके दहलीज स्थापना करवाई। और भी बहुत सारे उपाय आप देखेंगे आज इस वीडियो में उनके घर में किए गए, जैसे कि एक अच्छी जगह पर मिरर की स्थापना करवाना। मिरर भी अपने आप में एक मंगल है, तो मिरर को हमने एक अच्छी जगह पे स्थापित किया, जहाँ से उनको एक अच्छी एनर्जी मिले। इसके बाद हमने देखेंगे वहाँ पर एक सूर्य भगवान जी का स्टैचू वहाँ पे स्थापित किया, जिससे कि उनको एक बहुत अच्छी ऊर्जा रेगुलर उनके घर में आती रहे। कुछ पिरामिड, जिसमें कि एक पिरामिड में 91 पिरामिड्स रहते हैं, ऐसे कुछ पिरामिड्स हमने इंस्टॉल किए, जहाँ से कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार बना रहे और नेगेटिव एनर्जी उस स्पेसिफिक एरिया में ही लिमिटेड हो जाए एक्चुअली में। तो ये वॉशरूम के गेट है, जहाँ पर अंदर डब्ल्यू सीट है, तो उनकी एनर्जी को उसी जगह पे ब्लॉक करके रखा गया। तो ये सब उपाय हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि जहाँ पर तोड़फोड़ कम से कम हो, और बिना तोड़फोड़ के ही हम उस घर में बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। इसमें हमने हर एक स्टेप पे, जैसे जैसे हम लोग चीज़ें इंस्टॉल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमने हर एक स्टेप पे अपनी ऊर्जा को चेक किया, और बहुत ही बेहतरीन हमने ऊर्जा को पाया कि जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसका संचार बहुत अच्छे तरीके से पूरे घर में हो रहा है। और बहुत जल्दी आप इनका रिजल्ट भी जो आएगा, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट इन लोगों का आने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। ये सब उपाय करने के बाद हमने इनके जितने भी वॉशरूम्स थे, 4 से 5 वॉशरूम इनके मकान में हैं, सबका हमने एक एक करके ट्रीटमेंट किया। देखिए, एक सबसे ऊपर छत पर भी एक वॉशरूम है, और आखिरी में जितनी भी तोड़फोड़ हमने घर में की है, उसके लिए वास्तु देवताओं से माफ़ी मांगते हुए और वास्तु शांति पूजन संपन्न किया। हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी हानि हमारे किसी भी यजमान को ना हो, क्योंकि जब आप कोई भी तोड़फोड़ करते हैं, तो हर देवता परेशान होते हैं और वो आपको परेशान करते हैं। तो इस तरह की एक कम्प्लीट वास्तु करवाने के लिए, वैदिक तरीके से करवाने के लिए, बिना तोड़फोड़ के आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वास्तु टिकट बुक कर सकते हैं, और हम लोग ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं।